आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। आज जिस मशहूर हस्ती की मैं बात कर रही हूँ उनमें एक नहीं कई खूबियाँ हैं। वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी, राइटर भी और गीतकार भी, और वो हैं सावन कुमार टाक। और सबसे पहले एज प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहती हूँ वो ये है कि जब फिल्म की शुरुआत आदमी करता है तो सबसे पहला काम होता है कहानी को सिलेक्ट करना। जी। कहानी का इंतखाब करते हुए, चुनते हुए, सबसे पहले आपके जहन में क्या ख्याल होता है वो हमें बताइए। आपका ख्याल होता है, हैं? जी हाँ, मेरा मतलब है आपका उन देखने वालों से, मेरा मतलब है जो फिल्म देखते हैं, पसंद करते हैं, उन्हीं की पसंद को हमें हमेशा अपने ख्याल में रखना पड़ता है। दर्शकों की, दर्शकों की, आप भी तो दर्शकों में से ही हैं, बल्कि रिप्रेजेंटेटिव हूं यहां तो दर्शकों के। तो उन्हीं का ख्याल रखना पड़ता है, उन्हीं उन्हीं क्या पसंद है, वो क्या पसंद करते हैं, इन सब बातों का ख्याल करके ही हमें कहानी सेलेक्ट करनी पड़ती है। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। सावन जी, अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि जिस तरीके से एक टीचर, आलिम फाजिल, पढ़े लिखे इंसान की ड्यूटी होती है कि वो लोगों को सही तरबियत दे, सही रास्ते दिखाए, प्रोड्यूसर का भी मेरा ख्याल है कि यही जिम्मा होता है कि वो फिल्म मीडिया के जरिए समाज को कुछ दे। इस बारे में आपके विचार? ठीक कहा आपने, और जब भी कोई जर्नलिस्ट मुझसे मिलता है यही सवाल करता है कि आप जिम्मेदार हैं समाज के प्रति और देश के प्रति, इसलिए आप अच्छी फिल्में बनाएं। वैसे आपको पता है मैं तो अच्छी फिल्में बनाता हूँ, इस तरह की कोई मेरी फिल्म नहीं है जिसपे सोसाइटी कोई बात पे ऑब्जेक्शन ले जी। लेकिन फिर भी लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि फिल्म प्रोड्यूसर एक बिजनेसमैन है और उसे अपने पैसे का नुकसान, अगर वो एक जिसको अवेयर है कि सोसाइटी में कोई ऐसी गलत फिल्म ना जाए, लोग गलत फिल्म ना देखें, तो वो ये कोशिश तो ज़रूर करेगा कि मेरे पैसे का नुकसान ना हो, चाहे वो डबल ना हो, ट्रबल ना हो, लेकिन नुकसान ना हो और फिल्म अच्छी बने, लोगों को पसंद आए। तो हम लोग तो बिजनेसमैन हैं, पहले हम अपने पैसे का ख्याल रखेंगे। एज ए प्रोड्यूसर मैं बोल रहा हूँ इस वक्त, बिल्कुल। तो एज ए प्रोड्यूसर जो है मुझे हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, जो फिल्म मैं बना रहा हूँ, जिस तरह की फिल्म बनाऊँ वो कामयाब हो और उससे मुझे कुछ और पैसे मिले ताकि मैं और अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करूँ और लोगों तक अपने ख्याल, जो बात हमारे दिल में रहती है, दिमाग में रहती है, उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। सावन जी, डायरेक्टर के बारे में अब पूछना चाहती हूँ। चलिए माना कि प्रोड्यूसर जो है वो बिजनेसमैन भी है, पैसा लगाता है, डायरेक्टर को भी आप सिर्फ बिजनेसमैन तसव्वुर करते हैं क्या? नहीं, डायरेक्टर तो बहुत क्रिएटिव पर्सनैलिटी है, बिजनेसमैन नहीं होता। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करता है उसकी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, तो उसका फर्ज बनता है कि उसकी फाइनेंशियल साइड को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी क्रिएटिविटी से लोगों को नई से नई चीज, अच्छी से अच्छी बात कह सके। लेकिन उसमें कई बार डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर अपॉइंट करता है वो कई बार मजबूर हो जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर मालिक होता है और वो सिर्फ मोस्टली उसका एक नजरिया होता है पैसा। तो कई बार दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है और डायरेक्टर को कम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और कई बार डायरेक्टर जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। अच्छा, और अगर एक ही आदमी डायरेक्टर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, तो जरा मुश्किलें आसान हो जाती हैं। हाँ। इसीलिए मुझे बहुत ऑफर्स आते हैं बाहर की फिल्में डायरेक्ट करने की, लेकिन मैं बाहर की फिल्में नहीं करता, और करूंगा तो तब जब मुझे पूरा यकीन होगा कि मैं अपने दिल की बात कर सकूं, जो मैं चाहूं वो बना सकूं। सावन जी, आपने कहा कि मुश्किलें आसान हो जाती हैं अगर एक ही आदमी डायरेक्टर भी हो और प्रोड्यूसर भी हो, पर मेरा ये ख्याल है कि मुश्किल ज्यादा भी हो जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर कहता है पैसे बचा और डायरेक्टर कहता है ना मुझे कला के जौहर दिखाने दे। हाँ, ऐसा होता है। जब मैं प्लान करता हूँ फिल्म, तो उसका बजट बनाता हूँ, उसकी कास्ट निकालता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन जब मैं सेट पे जाता हूँ
तो प्रोड्यूसर को मैं घर छोड़ देता हूँ। अच्छा। और वहाँ मैं सिर्फ डायरेक्टर रहता हूँ और वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे करना चाहिए, और जितना अच्छा करने से लोगों को अच्छा लगेगा, लोग पसंद करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रखता वो काम करने से। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। इस तरह क्या देख रही हैं आप मुझे? मैं देख भी रही हूँ और सोच भी रही हूँ। क्या सोच? तो ये रही हूँ कि आप कितने अच्छे गीतकार हैं, कितने जबरदस्त शायर हैं, और देख ये रही हूँ कि टचवुड बहुत हैंडसम और खूबसूरत भी हैं, नौजवान भी हैं। क्या हम ये उम्मीद रखें कि आप अपनी किसी फिल्म में खुद हीरो बनकर भी आ सकते हैं? सुनकर आपको हैरत होगी, आया मैं हीरो ही बनने था। सच? जी। अरे लेकिन हीरो तो बन नहीं सका। उसके पीछे मेरी खुददारी थी। कैसे? मैंने यहाँ देखा इतने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स के दफ्तर से दफ्तर घूमते हैं, डायरेक्टर्स के घर जाते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं कि वो लोग लोगों को चांस नहीं दे सकते। लेकिन मैं, मेरा साइन लियो है, मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे, देने वाला हाथ रहा। उसके कर्म से हमेशा मैंने लोगों को कुछ देने की कोशिश की है, और फिर मैंने इरादा किया कि अगर हीरो बनना है तो मैं खुद प्रोड्यूसर बनूंगा, खुद डायरेक्टर बनूंगा, और फिर मैं चाहूंगा अपने आप को महसूस करूंगा कि मैं सही हूँ, हीरो बन सकता हूँ, तो हीरो भी एक दिन जरूर बनूंगा। अरे वाह। लेकिन ये हुआ नहीं। होता यही आया कि मैं फिल्में बनाता रहा, प्रोड्यूस करता रहा, लिखता रहा। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जो अभी तक ना हुआ हो वो आगे भी ना हो, मुमकिन है आप हीरो बन जाएं? हाँ, हो सकता है। एक बहुत मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जिंदगी में ऐसा हुआ था। वो अपना स्क्रिप्ट लेके एक बहुत बड़े स्टार के पास गए, उनको उन्होंने कहानी सुनाई, और उन्होंने सुनने के बाद कहा कि नहीं, ये तो कोई खास स्क्रिप्ट नहीं है जिसमें मैं काम करूं। तो उनको बहुत बुरा लगा। वो आए और उन्होंने एक डिसीशन लिया कि इस फिल्म का हीरो मैं खुद बनूंगा। वो उस फिल्म के हीरो बने, फिल्म बहुत कामयाब हुई। आप लोगों को बताऊं मैं उनका नाम, वो थे गुरुदत्त जी और फिल्म थी प्यासा। सावन भैया के साथ मेरा भाई बहन का रिश्ता बहुत पुराना है, 50 साल पुराना, जो आज तक कायम है। वो मुझे बहुत ज्यादा चाहते हैं। एक बात बताऊं, सावन भैया सिर्फ गीतकार ही नहीं है, वो शायर भी बहुत अच्छे हैं। एक गजल आपकी नजर है। कहां थे आप जमाने के बाद आए हैं, कहां थे आप जमाने के बाद आए हैं, मेरे शबाब के जाने के बाद आए हैं। बहुत खूब, मेरे शबाब के जाने के बाद आए। मेरे हुजूर बताओ मेरी खता क्या है, मेरे हुजूर बताओ मेरी खता क्या है, भरी बहार के जाने के बाद आए हैं। उम्दा, वाह। गिराना था तो फलक से हमें गिरा देते। बहुत खूबसूरत किस्सा है। गिराना था तो फलक से हमें गिरा देते, नजर से हमको गिराने के बाद आए हैं। वाह वाह। तो दोस्तों, ऐसी पुरानी सुहानी और अच्छी अच्छी बातें भी मैं आपको बताती रहूंगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।